సృష్టికర్తా లోకకర్తా సర్వకారణకర్త. स्वीकार कीजिए. ये क्या राजन, दान देने के लिए कारण भी तो होना चाहिए. अकारण दान देना पाप है. ऋषि पुत्र को रिक्त हाथों लौटाना भी तो पाप है. मैं आपका दान स्वीकार नहीं कर सकता, क्षमा प्रार्थी हूँ. आप केवल ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ. मैं आपके सहयोग से कुछ यज्ञ करना चाहता हूँ. किंतु 100 यज्ञ तो आप कर चुके हैं, अब कौन सा यज्ञ शेष है? ये तो बताइए कि आप यज्ञ क्यों करना चाहते हैं. मैं अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ. पिताश्री से आपकी चर्चा हुई होगी, उन्होंने कोई मार्ग दर्शाया होगा. आपके प्रयत्नों से ही मेरी इच्छा की पूर्ति हो सकती है. इस शरीर के साथ मुझे स्वर्ग भेजने का साध्य कार्य करने पर आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा. आप एक युग पुरुष माने जाएंगे. यदि ब्रह्मर्षि ने नकारा है तब तो मुझसे सहायता मांगकर आपने पाप किया है राजन. ऋषिपुत्र, आपको किसी भी स्थिति में मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी. राजन, आपका यह आग्रह अनुचित है. पिताश्री के संबंध में आपके विचार ने मुझे बहुत ही शोक पहुंचाया है. अपनी असंभव इच्छा की पूर्ति के लिए आपने अपने हृदय को धोखा दिया है. मुझे भी ये अलंकार, ये रजत और स्वर्ण मुद्राएं, ये अनमोल रत्न दिखलाकर सत्य मार्ग से भटकाने का प्रयत्न किया है. कुल गुरु को धिक्कार कर आपने मुझे पिताश्री का प्रतिद्वंदी बनाने का यत्न किया है. आपके पाप अक्षम्य है, आप निशंक हो जाए. पयोधितनया कुछ कुंकुमेना हरेण
कौस्तुभमणि प्रभया विभातम् श्रीवत्स लक्ष्म हरिचन्दनज प्रसूनम् आलोचितम् भगवतः सुभगं विराजम्
तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रगल्भस्वरूपां स्फुरत् कङ्कणाढ्या
अहम लंब मानस्तन प्रांत हाराम महानील रत्न प्रभा कुंडलाभ्याम स्फुरत्स्मेरवक्त्रां भजे पुर्य संध्याम सदा तत्त्वमस्यादिवाक्यैकगम्याम महामोक्षमार्गैकपाथेयरूपां महासिद्ध विद्याधरैः सेव्यमानाम् भजेऽहं भवोत्तारणि तुर्यसन्ध्या कृतं भोजमध्ये परां नायमीडे सुखासीन सद्राजहंसं मनोज्ञा सदा हेम भासां त्रयी विद्यमध्या भजामस्तु वामो वदामस्मरामः भजामस्तु वामो वदामस्मरामः विश्वरथ प्रिय पुत्र तुम ब्रह्मा के वंशज हो तुम्हारे पूर्वज कुसा ब्रह्मा के पुत्र थे अर्थात तुम ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हो अपनी धरोहर को पहचानो और इसका आदर करो तुम ये जानते नहीं परंतु तुम्हारी आत्मा की झोली में संसार को देने के लिए बहुत कुछ है अपना ये कोष मानव जाति में बांटो पुत्र अपने अहम का विसर्जन करके ही यह संभव होगा राज्य की सीमाएं बढ़ाने में क्या रखा है अपने हृदय की सीमाएं बढ़ाओ आप श्री नहीं किंतु श्री लगती हैं। आप माता सरस्वती नहीं किंतु माता सरस्वती लगती हैं। आप देवी पार्वती नहीं किंतु देवी पार्वती लगती हैं। आप तो इन तीनों का सम्मिलित रूप लगती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की अद्वितीय शक्तियां व अद्भुत ज्योति भी आप में निहित दिखती हैं। मेरा इससे बढ़कर और सौभाग्य क्या होगा कि मैं सभी अपार शक्तियों के सम्मिलित रूप को आज प्रत्यक्ष देख रहा हूं। पुत्र सूर्य प्रातःकाल ब्रह्मा मध्याह्न महेश सायंकाल विष्णु बनकर अपने धर्म की पूर्ति में मग्न रहते हैं ऐसे धर्म परायण सूर्य की ज्वलंत आंखों द्वारा तुमने उनके हृदय में उतरकर मुझे निकाला है और मुझे वैदिक शब्दों का वस्त्र पहनाया है तुमने मुझे रचा तो नहीं परंतु तुमने मुझे प्रकट अवश्य किया है तुमने आज संसार को सुख शांति संपत्ति का वरदान दिया है तुम्हारा वरदान मैं हूं जब तक तुम क्षत्रिय थे विश्वरथ कहे गए परंतु अब तुम ब्राह्मण हो गए तुम्हारे गायत्री मंत्र के जप ने मुझे गायत्री मंत्र रूप प्रदान किया जाति धर्म वर्ण स्त्री पुरुष देव मानव सभी इस मंत्र को स्मरण करके पावन हो सकते हैं सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं सृष्टि को दिया हुआ तुम्हारा ये वरदान है इससे तुम विश्व के मित्र हो गए अब से तुम्हारा नाम विश्वरथ नहीं विश्वामित्र होगा अपनी इस नवीन पहचान की पूंजी को संभालो और इसकी रक्षा करो समय के अतिरिक्त विश्वरथ का नाम किसी को याद नहीं रहेगा परंतु विश्वामित्र को समस्त सृष्टि सदैव आदर सहित याद रखेगी सद्गुणो भव शांतो भव आदरणीय भव ब्रह्म ऋषि भाव भी कहिए माते ये वर तो स्वयं ब्रह्मा भी तुम्हें नहीं दे सकते पुत्र ब्रह्म ऋषि का स्थान वर द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता और अभी तुम ब्रह्म ऋषि होने के योग्य भी नहीं हो क्योंकि तुम अपनी तपस्या का फल चाहते हो मोह के माया जाल से मुक्त होने का प्रयत्न करो और कर्म का मार्ग पकड़ो